हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल खुशी की मेडिकल पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि एक लिपिड डिसऑर्डर है। एथेरोस्क्लेरोसिस में आर्टरी की हार्डनिंग एंड थिकनिंग हो जाती है, प्लस उसमें कुछ फैटी स्ट्रीक्स या प्लैक्स होते हैं वो जम जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरी के स्ट्रक्चर की। तो उसमें सबसे पहले आता है टूनिका इंटीमा, टूनिका मीडिया एंड देन टूनिका एडवेंशिया। टूनिका इंटीमा में भी एंडोथीलियम, कनेक्टिव टिश्यू लेयर एंड इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन आता है। इसी इंटीमा में जब कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल एंटर कर जाता है और ये मैक्रोफेजेस फॉर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है। जब भी किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है तो उसकी वजह से जो आर्टरी वॉल है उस पर हाई प्रेशर लगता है। और जब डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट में क्या होता है कि जो एक्सेस ग्लूकोज है वो एंडोथेलियल सेल मेटाबॉलिज्म को अल्टर कर देता है, और स्मोकिंग की वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनने लगते हैं। इन तीनों वजह से क्या होता है कि जो एंडोथेलियल है लेयर है आर्टरी की, वो डैमेज हो जाती है। जब एंडोथेलियल लेयर डैमेज होने के बाद एलडीएल, जो कि ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, वो एंटर कर जाता है इंटीमा में। एलडीएल कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल को, तो कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन होने लगता है इंटीमा में, जो कि एक्टिवेट करता है मोनोसाइट्स को। एंडोथेलियल लेयर पे पाई जाती है एडेशन प्रोटीन, जैसे कि VCM1। इस एडेशन प्रोटीन से मोनोसाइट बाइंड करता है और एंटर कर जाता है टूनिका इंटीमा में। टूनिका इंटीमा में जब मोनोसाइट एंटर कर जाता है, तो उसके बाद एक्सप्रेस होता है मैक्रोफेजेस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर का, जो कि हेल्प करते हैं डिफरेंशिएशन में। मोनोसाइट कन्वर्ट हो जाता है मैक्रोफेजेस में और ये अपटेक करने लगता है, खाने लगता है एलडीएल को। एलडीएल को खाने पे ये कुछ फैटी स्ट्रिक्स बनाता है और ये फैटी स्ट्रिक्स एक्टिवेट करते हैं टी लिम्फोसाइट्स को। टी लिम्फोसाइट एंटर करता है टूनिका इंटीमा में, जो रिलीज करता है कुछ साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स को। ग्रोथ फैक्टर प्रोलिफरेशन करते हैं स्मूथ मसल सेल्स का एंड फिब्रोब्लास्ट का। बाकी जो मैक्रोफेजेस है वो अदर्स एलडीएल को खाने लगते हैं। ज्यादा ज्यादा खाने की वजह से इनका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है और इनको हम फोम सेल्स कहते हैं। फोम सेल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये अदर साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स का जो प्रोलिफरेशन है वो और ज्यादा होने लगता है और ये जाकर इकट्ठी हो जाती है वेसल टूनिका इंटीमा में। टूनिका इंटीमा में ये स्मूथ मसल सेल्स का एक फिब्रस कैप बनाती हैं और लिपिड फॉर्म सेल्स होती हैं वो लिपिड कोर को बनाती हैं और वो एक्यूमुलेट होकर एथेरोस्क्लेरोसिस को कॉज करती हैं। नाउ वी डिस्कस एथेरोस्क्लेरोसिस एज अ फ्लो चार्ट। तो एलडीएल डिफ्यूज करता है डैमेज एंडोथीलियम में, एक्यूमुलेट होता है इंटीमा में। उसके बाद एलडीएल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। उसके बाद जो मोनोसाइट्स हैं वो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होता है और उसको अपटेक करने लगते हैं और कन्वर्ट हो जाता है फॉर्म सेल्स में। फॉर्म सेल्स में कन्वर्ट होने के बाद इंटीमा में लिपिड कोर बनता है, फिब्रस कैप बनता है। लिपिड कोर जो कि फॉर्म सेल से बनती है और फिब्रस कैप जो कि फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, और वो एक्यूमुलेट होती है टूनिका इंटीमा में और कॉज करती है एथेरोस्क्लेरोसिस को। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।